वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड द ऑल इम्पोर्टेंट एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, आज एक प्रॉपर वर्किंग डे है आफ्टर द बिग क्रिसमस वीकेंड। आज डंकी को प्रॉपर वर्किंग डे का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो आज की पहले एडवांस बुकिंग जानेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आज इस फिल्म को कितने करोड़ की कमाई करनी होगी। इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं द अनफॉर्चुनेट कलेक्शंस ऑन द क्रिसमस डे। उम्मीद थी, क्रिसमस था, क्रिसमस वो दिन है जिसके कारण वर्ष यहाँ पर फिल्में जो रिलीज की जाती है। इतना ही नहीं, दंगल जो क्रिसमस पे थी उसने 42 करोड़ की कमाई की थी 2016 में। बात करूंगा इस पीके की जो कि सिमिलर जॉनर में आती है, ड्रामा जॉनर में, 2014 के आसपास 27.55 करोड़ की कमाई की थी एंड क्रिसमस उसका सातवां दिन था। इस बात करूं टाइगर जिंदा, ऑब्वियसली एक्शन फिल्म थी, उसका और डंकी है कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग सिर्फ क्रिसमस के डे कंपेयर कर रहे हैं। 2017 में 36.54 करोड़ की कमाई की थी धूम 3 अपने सातवें दिन पर, जो उसका क्रिसमस था। 2013 में, चलो जॉनर सेम नहीं है लेकिन अब 10 साल का गैप देखिए, 10 साल पहले 25.24 करोड़ की कमाई की थी। अरे आपका मकसद ही है क्रिसमस पर रिलीज करना ताकि आप क्रिसमस पर एक बाप लेवल का कलेक्शन दे सको। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान अंडर परफॉर्म्ड ऑन क्रिसमस। उम्मीद थी कि एटलीस्ट संडे जितना 30 करोड़ फिल्म कमाती है, लेकिन कल मैंने आपको सुबह ही एडवांस बुकिंग देखकर बोला कि 27 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। रात तक लगा कि डेफिनेटली 24 तो जाना ही जाना है, लेकिन द नेक्स्ट डे वर्किंग डे कर्स हिट डंकी एंड हिट इट वेरी हार्ड। कल रात को मैंने कहा था इवनिंग 53 है तो रात की ऑक्यूपेंसी 40 के ऊपर जाएगी नहीं, रात की ऑक्यूपेंसी 41% है। इसलिए गाइस डंकी क्रिसमस पर सिर्फ 22 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रही है। यस फ्रेंड्स, 22 से 22.50 करोड़ इस फिल्म से बहुत मैग्नम ओपस उम्मीदें थी शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी के साथ। एंड गाइस, शाहरुख खान ने पठान जवान के साथ जो नंबर्स हमको दिए हैं, उनकी आने वाली फिल्में चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उन नंबर्स के सामने डेफिनेटली जो है वो छोटी लगेगी। लेकिन यहां पर बात करें तो ये डे नंबर 5 पर 22 करोड़ रुपए कमाकर इसके हिंदी वर्जन में कलेक्शंस 127.63 यानी कि 127.63 करोड़ पर आ गए हैं। ये फिल्म आज से बता रहा हूं इंडिया से ज्यादा ओवरसीज में कमाने की कोशिश करेंगे। ओवरसीज में स्पेशली नॉर्थ अमेरिका इज डूइंग रियली गुड बिजनेस। यूएई में जिस तरह से उम्मीदें एक शाहरुख खान की फिल्म के साथ थी उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इज डूइंग रियली गुड फॉर डंकी एंड आज से डंकी की ट्रेजेक्ट्री देखने लग रहेगी कि ओवरसीज क्या हो रहा है। बात करूं कल के कलेक्शन की तो क्रिसमस में यहां पर नॉर्थ अमेरिका में डंकी ने सलार को हरा दिया एंड 17 करोड़ कमाए ओवरसीज में लगभग। सो इंडिया 22 नेट, ग्रॉस होगा 26.4, 17 ओवरसीज। इस फिल्म ने विश्व भर में 43.4 करोड़ रुपीज कमाते हुए अपने वर्ल्ड वाइड टोटल को 254 से 255 करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो आज का पोस्टर कहीं ना कहीं 255 करोड़ का आते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। अब गाइस बात करते हैं यहां पर कि इस दिन ड्रॉप आया तो कितना आया। क्रिसमस डे सॉ अ ड्रॉप ऑफ 27%। हम लोग बात समझ नहीं रहे हो, क्रिसमस डे पे ड्रॉप नहीं आता है। यहाँ पर डंकी 27% का ड्रॉप दिखाते हुए 11,000 शोज में उसने ये सब किया है। अब गाइस बात करते हैं डे नंबर 6 की, प्रॉपर वर्किंग डे, एडवांस बुकिंग ओनली 2.52 करोड़ रुपीज। एंड देखने लायक ये रहेगा कि अब वेडनेसडे, थर्सडे, ये दो दिन क्या सस्टेन होता है, वापस से फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा एंड फर्स्ट को भी हॉलीडे है, तो ये जो 4 दिन बहुत जरूरी है इस फिल्म के लिए। एंड अगर ये 4 दिन स्टेडी रही देन बॉस आराम से 200 करोड़ कलेक्शन तो आते हुए यहाँ पर हिंदी नेट में दिखा रहा है। तो गाइस हिंदी में 2.52 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 1,17,900 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड एवरेज टिकट प्राइस इज 196 रुपीज। यानी कि अब एवरेज टिकट प्राइस जो है कम कर दिया गया है एंड गाइस शोज यहां पर 1,125 कम कर दिए हैं। यस फ्रेंड्स, डंकी के 1,125 शोज कम कर दिए गए हैं एंड अभी डंकी के पास सिर्फ 9,875 शोज है, यानी कि 10,000 से भी कम शोज है। रात तक शायद बढ़ के 10,000 हो जाए, रात के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस बात करो मुंबई की,
697 से 647, 7% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 967 से 890, शॉकिंग 4% ऑक्यूपेंसी। पुणे 290 से 259, 4%। नवा बेंगलुरु 436 से 395, 11%। हैदराबाद 307 से 298, सॉलिड ट्रेंडिंग 19%। कोलकाता 302 से 290 शोज 10%। अहमदाबाद 461 से 436 जस्ट 2%। आज से अहमदाबाद सूरत का बिजनेस खत्म ही समझो। 10% की ऑक्यूपेंसी आई तो बहुत बड़ी बात होगी। वीकेंड क्रिसमस सब खत्म है वहां पर। चेन्नई 130 से 110 शोज। सूरत 239 से सीधा 193, 2% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 150 से 147 शोज। चंडीगढ़ 125 से 110। भोपाल 72 से 64। लखनऊ 176 से 173। आज इस फिल्म को प्रेडिक्शन से पहले बता दूं, कैसे भी 12 से 13 करोड़ की कलेक्शन जो है कमाने पड़ेंगे टू पास द टेस्ट टुडे। इसका डे नंबर 2 20.12 करोड़ रुपीस का था एंड आज ऐसा लग रहा है ये एडवांस बुकिंग देख करके ये फिल्म 12 करोड़ कमाएगी। लेकिन अगर पूरे दिन में ऑक्यूपेंसी गिरी तो ये 10 करोड़ के नीचे भी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सुबह कहना सेफ होगा कि आज डंकी डे नंबर 6 पर 12 करोड़ डेफिनेटली कमाएगी एंड इसके हिंदी वर्जन में कलेक्शंस 139.63 यानी कि 139.63 करोड़ तो डेफिनेटली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस 12 का ग्रॉस होगा 14 एंड ओवरसीज आज ये कमाएगा 15 करोड़। मेरी उम्मीदें ज्यादा है ओवरसीज मार्केट से। लेट्स सी आज का कलेक्शन, यू नो यहाँ पर वो कहना बहुत ही टफ है। तो आज जो आया कलेक्शन उससे इसके पूरे वीक की ट्रेजेक्ट्री जो है उसका अंदाजा होगा। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि यहाँ 15 करोड़ आएगा तो इंडिया में 14 आएगा ग्रॉस एंड ओवरसीज 15 आएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ओके एंड अगर 15 आया तो इसका वर्ल्ड वाइड 29 करोड़ रुपीज होगा एंड इसी के साथ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 283 से 284 करोड़ रुपीज जो है यहाँ पर 6 दिनों में कमाते हुए दिखाई देगी। लेट्स सी गाइस थर्सडे तक डंकी को इंडिया में कैसे भी डबल डिजिट में रहना है, डबल डिजिट से नीचे नहीं गिरना है। उसके बाद लेट्स सी 1 जनवरी तक इस फिल्म के पास एक ओपन शॉट है बॉक्स ऑफिस पे, जितना पैसा जो है उतना कमाना है इसको। ओके गाइस 105 के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। इनफैक्ट फाइटर तक कोई पिक्चर नहीं है, ये फिल्म बहुत लंबी चलनी है। बस यही है कि हमारी उम्मीदें शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी पे बहुत ज्यादा थी एंड स्पेशली पठान एंड जवान के बाद। पठान जवान नहीं होते ना तो ये कलेक्शन अच्छे लगते है ना। राजकुमार हिरानी शाहरुख खान ओके डिसेंट, पठान जवान के बाद सब आया है ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जॉनर एंड ये जॉनर एक बहुत ही अलग जॉनर था। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।